अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ अनस फारूकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 17 के बाहर, जहाँ एंट्रेंस चल रहा है बीए एलएलबी का। थोड़ी देर में स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे और तमाम स्टूडेंट्स से हम बातचीत करेंगे कि उनका पेपर कैसा गया, एंट्रेंस क्वेश्चन का लेवल क्या था और भी बहुत कुछ। कोमल, कहाँ से आप? मैं कन्नौज से हूँ। कौन सा पेपर दे गया? एलएलबी एंट्रेंस। कैसा रहा? अच्छा रहा। इजी, मॉडरेट, हाई, तीनों में से क्या आप? मॉडरेट था जी। मॉडरेट। अच्छा, किस किस तरह के टॉपिक्स कवर किए गए थे? करंट अफेयर्स के टॉपिक थे, रीजनिंग के टॉपिक्स थे, जैसे सीरीज़ वगैरह के टॉपिक थे, और करंट लीगल के टॉपिक थे, जो करंट में लीगल के इश्यूज़ चल रहे, इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। और जैसे कुछ मूवीज़ वगैरह के जो मतलब होते, जैसे माय नेम इज़ खान का पूछ लिया था कि क्या आएगा। अच्छा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? पेपर मॉडरेट था, अच्छा हुआ। अच्छा, सबसे अच्छा पोर्शन कौन गया, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा यकीन है कि मेरा सबसे अच्छा? करंट लीगल का जो टॉपिक। अच्छा, पीवाईक्यू देखा था आपने? हाँ, नहीं, मैं असल में मैं आप नहीं बताऊँगी। अच्छा, स्टडी सेल्फ आप या कोचिंग वगैरह कहीं से? मैं लॉ कर रही हूँ एलयू से, बट मुझे जामिया में एडमिशन लेना है, तो इसलिए एंट्रेंस देने आई हूँ। प्रिपरेशन कहीं से नहीं कर रही हूँ, फ्लैट दिया था सीएल से जी। अच्छा, जो लोग आगे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या एक्सपीरियंस अपनी तरफ से? आप लोग करंट अफेयर्स कवर करने चाहिए, रीजनिंग पढ़ना चाहिए, और अगर लीगली अवेयर रहोगे तो पेपर अच्छा जाएगा। जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन था, तो पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये मैथमेटिक्स वगैरह में किस टॉपिक से कवर किए गए थे? मैथमेटिक्स में रीजनिंग था, और रेशियो परसेंटेज, रेशियो से था, परसेंटेज से था, और प्रॉफिट इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से था, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था। और टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा आपका? टाइम मैनेजमेंट ठीक था। पेपर लेंथी लगा? नहीं, पेपर लेंथी नहीं लगा था, दो टू घंटे सफिशिएंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन। मेरा नाम मोहम्मद हसन इकबाल है। कहाँ से? मैं एमयू से हूँ, वैसे रहने वाला मैं बिहार का हूँ, लेकिन मैं एमयू में पढ़ता हूँ। तो कौन सा पेपर देखा? बी एलएलबी का। कैसा रहा पेपर? अच्छा था, थोड़ा टफ था पेपर, और थोड़ा लेंथी था, और करंट अफेयर टफ कह सकते हैं, थोड़ा टफ था करंट अफेयर। अच्छा, इसमें पोर्शन सब्जेक्ट किस किस तरह के थे या किस किस? इसमें इंग्लिश इंग्लिश था, और लीगल और करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैथ और रीजनिंग थी बस। करंट अफेयर में किस किस एरिया से पूछे गए थे क्वेश्चन? इंटरनेशनल से भी सवाल थे, और इंडियन से भी काफ़ी, इंडियन करंट अफेयर से भी काफ़ी सवाल थे। कह सकते हैं कि छः महीने के करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल थे, जो भी चीज़ें होंगी। हाँ हाँ। अच्छा, आपने कहा कि पेपर लेंदी था, तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे कैसा रहा? टाइम मैनेजमेंट कह सकते थोड़ा बुरा था, एकदम लास्ट मोमेंट पे मैंने ओएमआर शीट कंप्लीट किया अपना जी। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे आपने? हाँ, उससे मुझे ज़्यादा टफ लगा, मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए पहले के, तो उससे ज़्यादा टफ लगा मुझे। इसमें रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कोई क्वेश्चन? नहीं, रिपीट नहीं हुआ। तो क्या पैटर्न इसमें चेंज लगा, या टॉपिक्स किस किस तरह से चेंज थे जो आपको हार्ड लगा? हार्ड तो सिर्फ करंट अफेयर्स लगा है बहुत ज़्यादा, बाकी मैथ्स, मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ तो हो गया था मेरा, इंग्लिश भी सही था। अच्छा, मैथ ही गया? हाँ, मेरा मैथ अच्छा गया। तो उसमें किस तरह के टॉपिक्स थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस? उसमें प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट से थे, और ऐसे ही, मतलब जो है ना, बेसिक मैथ से सवाल थे सारे, और फिर रीजनिंग से सवाल थे बस। और किस क्लास से कह सकते हैं आपकी, इस क्लास से की एनसीईआरटी वगैरह या क्वेश्चंस टॉपिक्स कवर किए गए थे, जहाँ से आपने तैयारी भी की? नहीं, तो मैं तो फिर कोचिंग नहीं लिया हूँ मैं। अच्छा, सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ स्टडी है। अच्छा, रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस थे? रीजनिंग में ज़्यादा टफ नहीं थे, जैसे मैं मैथ से हूँ तो मुझे टफ नहीं लगा, बाकी फिर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे उन्हें मैं भी, हाँ, लगा होगा। फिर मुझे ऐसे ही जीके थोड़ा टफ लगा, क्योंकि मैंने जीके पढ़ा नहीं है सही से, हिस्ट्री वगैरह मेरी थोड़ी वीक है, तो हिस्ट्री मुझे टफ लगी। हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस थे? हिस्ट्री में हाँ, दो या तीन ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन थे, जीके से थे, और जीएस वगैरह से क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर से। ज़्यादातर ना करंट अफेयर और लॉ से रिलेटेड चीज़ पूछते हैं, जो भी चेंजेस लॉ में हुए हैं, या फिर कहाँ के जज चेंज हुए हैं, ऐसे टाइप की, मतलब इनका ना ऐसा रहता है क्वेश्चन का पैटर्न जो लॉ से रिलेटेड हो, तो वहाँ से पढ़ना ज़्यादा सही रहता है। इंग्लिश भी ऐसा पूछते हैं जो मतलब लीगल इंग्लिश पूछते हैं, जो लॉ में भी यूज़ होते हैं, तो ऐसे टाइप के इंग्लिश रहते हैं। अच्छा, सेल्फ स्टडी आपने किस जी, लगभग कौन कौन सी किताबों से की है, जिससे आपको हेल्प हुई हो? किताब का मैं क्या बताऊँ, मेरा बोर्ड्स था, तो उसके बाद मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही पढ़ता था, और
किताब तो कोई यूज़ नहीं किया मैंने ज़्यादा। अगले साल तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ? हाँ, उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि शुरू से तैयारी करें, ऐसे नहीं कि मैं एक महीने या दो महीने में तैयारी कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है बिल्कुल। आप बिल्कुल अपने आप को 6 महीने टाइम दीजिए रेगुलर, 4 से 5 घंटे, तो फिर आपको क्वेश्चन पेपर सही लगेगा। और ज़्यादा टेस्ट दीजिए खुद से, नहीं तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे और घबरा भी जाएंगे। इसलिए OMR सीट भरने की प्रैक्टिस कीजिए और मॉक बहुत सारे दिया कीजिए। मॉक देने से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है फिर। अच्छा, AMU से आप हैं तो आपको जामिया में आपने एंट्रेंस दिया? जी। तो क्या ऐसा आपको लगा यहाँ पे, एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, चलिए मैं दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन। नाम? रैयान दुर्रानी। कहाँ से आप? अलीगढ़। कौन सा पेपर देखे आप? BLLB का। कैसा रहा? ठीक ठाक रहा। टॉपिक्स कैसे कैसे थे, क्वेश्चंस क्या क्या? टॉपिक्स ठीक से, पेपर मतलब ऑल ओवर इजी था। जो पढ़ा था उसके लिए बहुत इजी था, जो नहीं पढ़ा था उसके लिए बहुत हार्ड था। इजी लगा? हाँ, थोड़ा बहुत इजी था। कौन सा पोर्शन ज़्यादा आपका इजी गया, सबसे अच्छा? सबसे अच्छा लीगल गया मेरा, लीगल एप्टीट्यूड। उसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे? उसमें प्रिंसिपल देखे सवाल पूछते थे कि मर्डर के ऊपर दे दिया, कल्पना होमिसाइड के ऊपर दे दिया, या थेफ्ट के ऊपर दे दिया, किसी चीज़ के ऊपर दे के उससे फिर सवाल पूछते थे कि है कि नहीं है। करंट अफेयर्स का एरिया क्या क्या था, कहाँ से कवर किया गया? करंट अफेयर्स ऑल ओवर कवर किया गया था, वर्ल्ड के भी कवर कर दिए, इंडिया के भी कवर किए गए थे। जैसे इंपॉर्टेंट डेज के नाम पूछ लिए थे, इंपॉर्टेंट डेज पूछ ली थी, कौन कौन सी क्या कहते हैं मिसाइल लॉन्च की उसने, और क्या है क्या नहीं है सब पूछ लिया था उसने करंट अफेयर्स में। रिसेंट में क्या हुआ पिछले 6-7 महीनों में ये। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा आपका पेपर? टाइम मैनेजमेंट ठीक रहा, 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा में हो गया था, 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट में। पेपर आपको लेंदी नहीं लगा? पेपर लेंदी नहीं था, लेंदी नहीं था। तैयारी आपने कैसे की थी? तैयारी मैंने ठीक ठाक की थी, जामिया के लिए उतनी अच्छी करी नहीं थी, लेकिन फिर भी की थी मैंने जामिया के लिए। IPC वगैरह अच्छे से पढ़ा था मैंने। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? अच्छा रहा। अच्छा, PYQ देखा था आपने पिछले साल? हाँ, पिछले साल के मैंने 4-5 साल के पेपर सॉल्व किए थे। तो उससे लगा कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता था? नहीं, उससे बस ये पता, क्वेश्चन का पैटर्न पता चला, बाकी मैंने नहीं देखा प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन मैच किया हो। बाकी जो कोचिंग में पढ़ाया था उससे आया था थोड़ा बहुत, हाँ इंग्लिश में उससे आया था थोड़ा बहुत, वन वर्स सब्स्टिट्यूशन में आया था, और पॉलिटी में आया था जो कोचिंग में पढ़ाया था। कुछ पैटर्न्स वगैरह चेंज नहीं? नहीं, पैटर्न चेंज नहीं था, बस रीजनिंग के एक भी सवाल नहीं थे इस बार जी, सिर्फ मैथ ही था। तो जो लोग आगे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहिए? उनके लिए ये कि आप खूब अच्छे से पॉलिटी पढ़िए और करंट अफेयर्स किसी कीमत में मत छोड़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है उसमें, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ना ही, कहीं से भी आ जाते हैं पिछले 6-7 महीने के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन उसमें तो ये ना कि जो हाल ही में कोई इवेंट से घटना? हाँ, तो नहीं तो इसमें पेपर पिछले 6-7 महीनों से, क्योंकि पेपर पहले बन जाता है ना, तो इसलिए पुराना करंट अफेयर्स नया करंट अफेयर्स दोनों पूछते हैं। जैसे हाल फिलहाल 1 महीने पहले का छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन और पहले का मत छोड़ना, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। वो चीज़ें इंसान पढ़ता नहीं है दिमाग से। हाँ, चलिए मैं दुआ करूँगा आपको।